तुम दोनों को एक साथ जाने की क्या जरूरत थी भाई? स्वान निद्रा है ये, फिर आ गया कोरोना। वो बोलो ना, हाँ ब्लॉग में नहीं आना चाहिए कि माँ काजू किसमिस खा ले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। चलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सिम्बा और स्पर्श, पहले स्पर्श गया था वॉशरूम, जैसे ही स्पर्श गया सिम्बा भी चला गया अंदर, क्योंकि दोनों, सिम्बा भी टॉयलेट में ही जाता है फ्रेश होने के लिए। तो ये देखो, और सिम्बा भी अंदर बंद हो गया है, स्पर्श भी, क्यों? क्योंकि सिम्बा ने अंदर जाके पॉटी कर दी है और स्पर्श अब दरवाजा खोल नहीं पा रहा है। अब ये इसे भी अभी जाना था, दोनों एक साथ गए। तुम आओ अब। जब स्पर्श गया था तो तू क्यों गया अंदर? हैं? देखो आज सुबह सुबह हमारे घर में कौन आया है? वंश की दादी आई है। हैं? और आपने मुझे बताया नहीं कि शिवानी पिंजौरा आपकी बेटी का नाम है? हाँ, मैंने पूछा क्या, उनमें कहा तन्नु को बहनु। हाँ, वो दिल्ली से, उसने गाना पकड़ दी। अच्छा। वो अभी इतने तो ना तेरे से। अच्छा। तो दोनों लड़की का ये मम्मी बस तो गाना गा रही है। चाय पी के जाओ, चाय नहीं पी के जा रही है हमारे वहाँ से। लड़की लोग बोलते हैं कि माँ काजू किसमिस खा ले, काजू किसमिस खा ले, काले की तो सही तो कहती है लड़कियाँ। फल फ्रूट खा ले, सेब वहाँ दर रखे, कोई सेब रख रखे वहाँ। हाँ, मैं नहीं खाने, और सड़ गए वो सेब। तो क्यों नहीं खा रहे हो? अब मेरा मन नहीं कर रहा। तो चाय तो पियोगे थोड़ी सी? मन नहीं कर रहा, दूसरे दिन पियूंगा। क्यों, आज क्यों नहीं? आज नहीं, बड़ा काली आ रखी हुए ना। अरे है ना, थोड़ी थोड़ी इतनी इतनी चाय बनाते मेरे मन में। कल तो मेरे फोटो खेचा ना, चाय पीने में ज्ञान बोलता है, आज चाय पीने में। अच्छा, तो आज हमारे यहाँ चाय नहीं पी रही। परेशान हो जाएगी। क्यों हो जाऊंगी मैं परेशान? मुझे तो अच्छा लगेगा आप रोज रोज मेरे साथ चाय पीने के लिए आओगे। मेरे को अकेले चाय पीनी पड़ती है। मेरे को कोई साथ मिल जाएगा चाय पीने के लिए तो अच्छा है। तो अब जा रहे हैं, और कल से रोज मिलोगे हमें ना सुबह सुबह आप। फिर आ गया कोरोना। तू बोलो ना। हाँ, न्यूज नहीं देख रहे आप? इतना ज्यादा फैलने लग गया अब फिर से। वो देखो, आपने गेट खोला था ना, तो सिम्बा वहाँ पहुँच गया बैंड में। मेहंदी लगाओ बालों में। हाँ लगा। मेरे को बोल देना अगर नहीं होगा टाइम, में लगा दूंगी। हाँ। ठीक है। हाँ। चलो बाय बाय। और सिम्बा देखो हमारा, इसे बस मौका मिलना चाहिए, मटर गश्ती के लिए चला गया। अभी दिखेगा आपको, वो देखो दिखा, ये वहाँ पहुँच चुका है बैंड में, और अभी आ जाएगा एक दो घंटे के बाद घूम फिर करके। वो बच्चे उसे पकड़ भी रहे हैं, खेल रहे हैं उनके साथ। तो चलो हम कर लेते हैं नाश्ता। इसे देखिए, ये आज भागा था, और आज इतना अच्छा मौसम हो रहा, आज मतलब बारिश हो गई और ये भागा था आज। देखो, कल पूरे दिन मैंने बोला था कि बादल हैं, बादल हैं, बादल हैं, बारिश हो जाए, और आज बारिश होने लग गई है। देखो, वैसे बहुत हल्की बूंदाबांदी हो रही है, और आज भी बादल हैं सब जगह, लेकिन आज बारिश हो गई है, ये बहुत सही हुआ है। और एक प्राणी जो सुबह सुबह मैंने आपको बैंड की तरफ जाते हुए दिखाया था, वो 4 घंटे के बाद वापस आया और पूरा मिट्टी में सना हुआ। फिर इसके लिए गर्म पानी किया गया, फिर इसे नहलाया गया, ड्रायर से सुखाया गया, और सूखने के बाद ये थोड़ी देर बाहर है हमारे साथ में। और इतनी ठंडी है, ठंडी हवा चल रही है। और अभी टाइम हो चुका है 2:00 और लंच टाइम है हमारा। कहाँ हो रही दौड़? पापा को फोन करो खाना खाने के लिए। पापा को फोन, चलो घर के अंदर जाकर करता हूँ। हमारे वहाँ कोई आया भी है। कौन? ये है वो, ये है वो जो सफेद पैंट पहन के और सफेद जूते पहन के आए हैं। ये लेट आए हैं। ये है वो। हेलो, प्रणाम। बाप देखो तो कितने गुस्सा आ रहा। ये आ गए, लो लेदर की जैकेट पहन के। हाँ, कहाँ से लाया लेदर की जैकेट? प्रणाम करो सर। मैंने प्रणाम कर दिया था। ये तो पिछले साल के आए। तो ये देखो भैया आए हैं हमारे वहाँ, और लंच भी कर लिया इन्होंने सबने। तो अभी टाइम हो चुका है 7:30, और जैसा कि आज यहाँ हो चुकी है बारिश, और उस वजह से ठंड भी बहुत ज्यादा हो गई है। और आज ये देखो कितने दिनों के बाद ये बैठा हुआ है पढ़ाई करने। और भैया भी आज आ चुके हैं हमारे वहाँ, और अभी वो लोग काम ही कर रहे हैं, और मैं जा रही हूँ अब डिनर बनाने और बर्तन भी धुलने। मैं भी आके चेक करूंगी आपने कितना किया, मैंने इसे टाइम दे दिया है, ये कर रहा है अभी काम। और सिम्बा आराम से सो रहा है मजे से। ये देखो, सबसे ज्यादा मजे इसी के हैं, न पढ़ाई न लिखाई, सिर्फ खाना खाई और सुलाई। सोना और खाना। और अब देखो कितनी घोर निद्रा में
सो चुका है, स्वान निद्रा है ये। ये देखो सिंबू सिंबू, कोई मतलब नहीं मजे से। और वो ब्लोअर के आगे मेरे घर में टैलेंटेड पर्सन आए हैं ब्लोअर में बैठा अब तो डालेंगे देखो इनमें इतना टैलेंट इतना कूट कूट का टैलेंट भरा है इनमें। गूगल भी है ये साथ साथ है भी। आज हमारे घर में बड़ी महफिल सज रखी है उसकी गानों की। ये गढ़वाली गाना सुनाएंगे अभी। और अभी रात के 9 बज रहे हैं और हम बना रहे हैं डिनर। डिनर बनाते बनाते भैया सबका मनोरंजन कर रहे हैं। कैसे बैठे कैसे हैं दर्शक, एक दर्शक दो दर्शक पता चल रहे। ये देखो ये करो तुम। तो भैया ने दूसरा वाद्य यंत्र उठा लिया है। अभी तक ढोलक बजा रहे थे भैया। आप कैसे हो मैं अपनी टैलेंट दिखाएंगे। प्रतिभा संपन्न लोग आ रखे हैं आज हमारे वहाँ। प्रतिभा कूट कूट के भरी है इनके अंदर। ब्लॉग में नहीं आना चाहिए ये तो पक्का आएगा ब्लॉग में। मेरे जीजा जी के पास है ना ये, वो सारा बजा देते हैं। रात के 10:30 बज चुके हैं। डिनर हमने कर लिया है और भैया आ रखे हैं तो सौरभ और भैया बातें करने में लगे हुए हैं। और स्पर्श अब खाना खा के सोने जा रहा है। सिम्बा भी सो चुका है। पर मजे तो आ रहे हैं बात बात करने में, पर मुझे व्लॉग एडिट करना है तो मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। और मैं इनसे करती हूँ, ये जबरदस्ती सुला रही है मेरे को। अब आप बताओ 10:30 बज गए, बच्चों को कितने बजे सोना चाहिए? 9 बजे सो जाना चाहिए, 1 बजे। और इसका टाइम ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है, 10:30 बज चुके हैं, तब भी ये सोने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि सुबह उठेगा 10 बजे। ठीक है, आज आप 10 बजे मत सो, मैं कल सुबह आपको 7 बजे उठा दूंगी, फिर देखते हैं। चुपचाप सो जाओ जाके। नहीं सो, चलो फर्स्ट नहीं सो जाओ। सिम्बा भी सो गया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे हमारे कल वाले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।